आज इकट्ठा हुए हैं, मेरे जितने भी वरिष्ठ साथी इधर मंच पर मौजूद हैं, पवन फौजी जी, सतीश सोमरी जी, बजन सिंह जी जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं हमारे, राजीव कांगड़ा जी, सुनील सारण जी, आदित्य जी, दलवीर मेहरा जी, राजीव जी, संधू साहब बैठे हैं इधर, जितने भी संदीप मलिक जी, मैं चारों तरफ नजर घुमा रहा हूं तो बहुत सारे कर्मठ कार्यकर्ता एडवोकेट नीरज जी यहां पे खड़े हुए हैं, धनखड़ साहब बैठे हैं सामने, बलदीप जी बैठे हैं, जितने भी हमारे मजदूर साथी हैं हम सबको और कमालपुर की पूरी सरदारी को प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। एक बार मेरे साथ भारत माता का वंदन करेंगे तो कोई बात अच्छे तरीके से हो पाएगी, देशभक्ति दिल में होगी तो शब्द भी अच्छे निकलेंगे, इसलिए बंद मुट्ठी करके एक बार भारत माता का नारा लगाएंगे सारे साथी, यहां से लेके बच्चे बुजुर्ग जवान जितने भी हैं, सब बंद मुट्ठी करके मेरे साथ जोरदार भारत माता का नारा लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, उसको आनंद फानंद में मुख्यमंत्री बना के यहां से बचा के निकाला है,
कि अगर इस बार चुनाव लड़ गया तो इस बार जमानत जब धोबी हारेगा यहाँ से, इसलिए मुख्यमंत्री बना दिया उसको। कोई काम के आधार पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कोई मेरे को बोला जी वो अचानक मुख्यमंत्री को बदल दिया। मैंने कहा मुख्यमंत्री इसलिए बदल दिया, 9.5 साल में कोई काम नहीं करा, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दिया, किसानों को ऊपर लाठियां गोलियां चलाई, सरपंचों को पीटा, कर्मचारियों को पीटा, हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होता रहा, ये सरकार में बैठ के हंसते रहे। इन सब कारणों से हरियाणा के लोग तैयार बैठे थे कि वह खट्टर आगे पार्टी उठकर जब कोई आएगा चुनाव में उसके ऐसे पैसे करेंगे, चुनाव के अंदर वोट देते उनके खिलाफ वोट देते। इसलिए उन्होंने कहा, इन्होंने सर्वे करा के देखा, ऐसे नहीं हटाया खट्टर को, इन्होंने सर्वे करा के देखा कि वह खट्टर मुख्यमंत्री रहा तो उसका सूखला साफ होगा हरियाणा के अंदर। तो इसलिए चुनाव से पहले आनंद फानंद में खट्टर हटाओ, नायब सैनी लाओ, अभियान चलाया गया अचानक से। लेकिन इससे इनको इस बार हार किसी तरह रुकने वाली नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है, देश बचाने की लड़ाई में एकजुट रहना है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आर पार किसी भी चक्कर इंडिया गठबंधन की है। अगर कोई तीसरा आदमी किसी भी पार्टी से टिकट लेके आता है और आप देखोगे जो भी टिकट लेके आएगा तीसरा आदमी, वो इस तरीके से टिकट लेके आएगा कि जो बीजेपी के खिलाफ बड़ा वोट है उसके अंदर सेंध लग जाए, वो किसी तरह से बच जाए, ऐसी टिकट लेके आएगा कोई भी आदमी, तो आप समझ जाना कि वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है, भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं ऐसे लोग जो वोट बांट के दोबारा से उनको जिताना चाहते हैं। इसलिए ये दिमाग में ध्यान रखना, अंधभक्तों का वोट जाएगा बीजेपी को और देशभक्तों का वोट जाएगा इंडिया गठबंधन को। भारत और जिस तरीके से ये इंडिया गठबंधन बना है, कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी मिली है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा बांध के भेजना है, बाकी 9 जगह पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हमको जिस दिन कुरुक्षेत्र की सीट लड़ी, जिस दिन मिली हमको कुरुक्षेत्र की सीट, मैंने तो उसी दिन सोच लिया था कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिल गया, धर्म नगरी का टिकट हमको मिल गया, यहाँ से धर्म युद्ध लड़ेंगे और अधर्मियों को हरा करके यहाँ से भेजेंगे। कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान ने जो सोच के पुलर चलवाई है, यहाँ ऐसी झाड़ू चलाएंगे, ऐसी झाड़ू चलाएंगे। ये कोई लड़के पूछ रहा था बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी कैसे सफाया करते हैं इनका, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव निशान है झाड़ू का निशान, और बीजेपी का चुनाव निशान कमल का निशान। कमल कहाँ पे उठता है, बोला कि कीचड़ में। मैंने कहा कीचड़ झाड़ू से साफ होता है, कीचड़ साफ कर देता है, कमल के उड़ने की जगह नहीं रखती। आम आदमी पार्टी यही काम हमको यहाँ कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट को भी करना है, कीचड़ साफ कर दो पूरे तरीके से, कमल के होने की जगह नहीं छोड़नी इस बार कुरुक्षेत्र के अंदर। और जब नतीजा आएगा, ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है कि अगर ये चुनाव दोबारा से अंधभक्तों के हाथ में गया बीजेपी जीती तो ये समझ लेना आगे से चुनाव नहीं होना, फिर उसके बाद आगे से उसके बाद लोकतंत्र नहीं बचेगा। आप देख रहे हो किस तरीके से हमारे किसान जो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते थे उनके ऊपर उन्होंने लाठियां और गोलियां चलाई, और मैं देख के हैरान था। एक नई योजना लेके आए बीजेपी वाले, पाकिस्तान के जो घुसपैठ हुए हमारे देश में घुस रहे हैं उनको अपने देश का नागरिक बनाना चाहते हैं, अपने देश में बसाना चाहते हैं उनको। दिल्ली में कल परसों केजरीवाल जी बोले भाई तुम पाकिस्तानियों को लागू बसाना चाहते हो, अपने बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, जिनको लाके बताओगे पाकिस्तानियों को उनको नौकरी कहां से दोगे, उनको रोजगार कहां से दोगे, उनको खाना कहां से दोगे, उनको मकान कहां से दोगे। तो ये सारे पाकिस्तानी घुसपैठ हुए इकट्ठे होकर केजरीवाल जी के घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। दिल्ली के अंदर चुने हुए मुख्यमंत्री के घर के सामने बीजेपी की शर्ट वो पाकिस्तानी घुसपैठ हुए खुलेआम हुड़दंग मचा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पाकिस्तानी तो प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में खुलेआम, और हमारे किसान दिल्ली जाना चाहते हैं तो उनके सामने दीवारें बनाते हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं,
यानी किसान नहीं दिल्ली जा सकता, पाकिस्तानी दिल्ली जा सकते हैं, पाकिस्तानी वहां पर दर्शन कर सकते हैं। ऐसी हालत उस देश की बना दी भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए इनको इस बार इस चुनाव में हटाना जरूरी है। इस चुनाव में लोकतंत्र को बचाना है, और किसी के भी मन में अगर कोई ऐसी भावना हो कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, ये नौकरी नहीं दे रहे हमारे बच्चों को, ये रोजगार नहीं दे रहे, ये सारे बाजार के किसानों की बुरी हालत हो रही है। मुझे तो यहाँ आसपास के एरिया में मुझे पता चला था, ये अभी ओले गिरे थे, कुछ बहुत सारी फसल खराब हुई, कुछ बाढ़ आई थी जब फसल खराब हुई थी, लेकिन जहां भी फसल खराब हुई कोई मुआवजा ढंग से किसान हो सरकार की तरफ से मिला नहीं। इसलिए अपने हित की सरकार, ऐसी सरकार बनाना जो केंद्र के अंदर किसानों के हित में फैसला ले सके, जो किसानों के खिलाफ कानून न लेके आए जैसे भारतीय जनता पार्टी लेके आई। इसलिए इसके दिमाग में बिठा लो कि बीजेपी को हराना है तो एक ही ढूंढ इंडिया गठबंधन, एक भी वोट इधर उधर नहीं जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र में भाड़ों के निशान को बटन दबाना है। इस बार भूल जाओ कि आप कांग्रेस से हो, भूल जाओ कि आप बीजेपी वाले हो, भूल जाओ कि आप एनएलए वाले हो, भूल जाओ आम आदमी पार्टी वाले हो, बस एक बात याद रखो कि आप हिंदुस्तानी हो, एक बात याद रखो कि आप देशभक्त हो, देश को बचाना है और इन काले अंग्रेजों को इस बार भगाना है यहाँ से, तो झाड़ू के निशान को बटन दबाओगे तो सीचर की सफाई होगी, तो कमल के निशान को हटा पाएंगे। इसलिए इस बार सारे याद कर लो, जब चुनाव के अंदर मशीन के ऊपर बटन दबाने जाओ तो बोला जी 25 तारीख से हुए चुनाव से हरियाणा के अंदर, मैं कहा 25 तारीख चुनाव से तो नहीं थे हरियाणा में, 25 तारीख बीजेपी की आखिरी तारीख तय होगी कि भाई इस दिन से बड़ा काम हो जाए हरियाणा से, ये बीजेपी को जाने की तारीख तय होगी। अगर उस तारीख को आगे नहीं बढ़ाना तो झाड़ू के निशान को बटन दबाना ये अपने दिमाग के अंदर फिक्स कर लो, और सारे जने ये सारी बातें अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने गांव के लोग सबके बीच में ये चर्चा करो कि जो किसानों को प्रदर्शन तक करने का हक नहीं देती सरकार, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप देख रहे हो आजकल रोज खबर सुनते हो कि भाई रोज गुड़िया चल रही है कहीं ना कहीं, आज बनाने जगह किसी गैंग ने गुड़िया चला दी, आज एक बात उसकी हत्या हो गई, हर रोज उस तरह की खबरें आ रही हैं। मैं पिछले 2 साल से लगातार कह रहा हूँ 25 लाख युवा बेरोजगार बैठा है हरियाणा के अंदर, 25 लाख युवा, ये बारूद के ढेर के ऊपर बैठने के बराबर है, समझ में, हरियाणा बारूद के ढेर पे बैठा है बेरोजगार युवा, अगर थोड़े से भी गलत दिशा में चले गए पूरा प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। ये जो आप रोज वारदात सुन रहे हो ये उसी बर्बादी की शुरुआत है। अगर अपने हरियाणा को बर्बाद होने से पहले बचाना है तो अभी इनका गोरिया बिस्तरा समेट के भेज दो, और ये भी समझ लेना कि यहाँ अगर गोरिया बिस्तरा समेट के भेजोगे तो विधानसभा में भी इनका सूपड़ा साफ करने की, इनको पूरा लपेटने की तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे बीजेपी को हराना मतलब विधानसभा में बीजेपी की सरकार को हटाना, एक ही बात है, ये शुरुआत यहाँ से हो जाएगी और बाद में इनका गोरिया बिस्तरा सबका समेट के भेज देंगे। इसलिए सारे साथी मिलकर एक प्रण ले लो कि इस बार इनको बीजेपी को सबक सिखाना है, इस बार इस तानाशाह सरकार को बदलना है, और इस बार झाड़ू के निशान पर बटन दबा के इंडिया गठबंधन को कुरुक्षेत्र से जिता के भेजना है। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो हमारे अध्यक्ष भी आम आदमी पार्टी के हरियाणा के, हमने अपना सबसे बड़ा चेहरा जो आम आदमी पार्टी का था उसको हमने यहाँ से चुनाव मैदान में उतार दिया, क्योंकि हमको पता था कि ये चुनाव बहुत जरूरी है, ये चुनाव बहुत गंभीर चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए हमने अपनी पूरी ताकत झोंकी, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना आशीर्वाद और प्यार देंगे, आप भी पूरी ताकत के साथ हमारा साथ देंगे, और इस बार यहाँ से पूरे हराएंगे और इंडिया को जिताएंगे। जोरदार नारा इस बार भारत।